गाइस वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, कोविड 19 के वजह से एमबीबीएस के सेशंस डिले हुए और इसी वजह से इंटर्नशिप डेट भी डिले हुई है। कट ऑफ डेट ऑफ इंटर्नशिप अभी नीट पीजी 2023 के लिए जो एनएमसी की तरफ से रखी गई है, दैट इज 31st of March 2023। इस डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आउट ऑफ 23 स्टेट्स 18 स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है नीट पीजी 2023 के फॉर्म भरने के लिए। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 40,000 to 50,000 स्टूडेंट्स के अंदर कवर होते हैं जो इन एलिजिबल है। इसके बाद अगर आप स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टेट्स की जो कंप्लीशन डेट है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर देते हैं कि कब कौन सी स्टेट्स की जो इंटर्नशिप की डेट है, इंटर्नशिप कब खत्म हो रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। केरला की जुलाई में खत्म हो रही है, छत्तीसगढ़ की नवंबर में खत्म हो रही है, आसाम की 14th May को खत्म हो रही है, कर्नाटका 24th April को खत्म हो रही है, आंध्रा जो है एक स्टेट है जिनकी 31st of March से पहले खत्म हो रही है, दैट इज 27th of March, तेलंगाना जुलाई में ओवर हो रही है, एमपी भी जुलाई में खत्म हो रही है, महाराष्ट्र 19th May को खत्म हो रही है, तमिलनाडु 17th May को खत्म हो रही है, वेस्ट बंगाल 1st May को खत्म हो रही है, बिहार अगस्त में खत्म हो रही है, आसाम 13th May को खत्म हो रही है, गोवा अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, यूपी 10th April को खत्म हो रही है, गुजरात भी एक स्टेट है जिसकी 31st of March को खत्म हो रही है जो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चल रही है, राजस्थान अप्रैल में खत्म होगी, उड़ीसा अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, झारखंड अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, हरियाणा अप्रैल में खत्म हो रही है, दिल्ली जून में खत्म हो रही है, दिन मेघालय जो है वो भी अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर भी ये विजुअल्स आ रही होंगे कि कौन से स्टेट की कब ओवर हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के स्टूडेंट जो है वो अभी करंट डेट के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। अब इस पर एनएमसी को सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या ये जो 31st of March की डेट रखी गई है ये सही है। एनबीए के सीनियर ऑफिशियल से बात करने पर ये बातें पता लगी है कि एनबीए का कहना है कि ये जो लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप रखी गई है ये एनएमसी की तरफ से रखी गई है, जो बिल्कुल सही है। एनएमसी के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि इस डेट पर स्टडी की जा रही है, मीटिंग्स हो रही है, इस मैटर को स्टडी किया जा रहा है और इस पे जल्द ही एक्सटेंड किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन उठती है कि अगर एक्सटेंड होगी तो ये कब तक होगी। अकॉर्डिंग टू मी अगर एनएमसी को करना चाहिए तो ये कम से कम 31st of July तक एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि 31st of July तक अगर इस लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप को एक्सटेंड की जाती है तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के स्टूडेंट जो है वो इसके तहत कवर हो जाएंगे। तो देयर आर हाईली चांसेस कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप है वो 31st of July तक जा सकती है। इसके बावजूद एक क्वेश्चन और अराइज होती है कि अगर 31st of July को इंटर्नशिप डेट तय की जाती है तो ऑब्वियसली हमारी काउंसलिंग उसके बाद स्टार्ट होगी। हमारी जो एग्जाम है नीट पीजी की वो 5th March को कंडक्ट की जा रही है और जो रिजल्ट है वो 31st of March को आ रही है। 31st of March को रिजल्ट आने के बाद भी जो काउंसलिंग है वो जुलाई 31st के बाद ही स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप ही कंप्लीट हो रही है 31st of March को और हमारे पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर काउंसलिंग। दैट मीन्स कि ये जो 31st of March जब रिजल्ट आ रही है और 31st of July जो इंटर्नशिप डेट हो सकती है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो 4 महीने का है, दैट इज फॉर 4 months, जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। रिजल्ट आने के बाद भी इतने मंथ्स का इंतजार स्टूडेंट को करना पड़ सकता है, विच कैन लीड टू एंग्जाइटी एंड यू नो एंग्शियसनेस, ये सब चीजें उनमें बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी चीजें एक कैच करने वाली है कि आखिर जो डेट है इंटर्नशिप की वो एनएमसी की तरफ से क्या रखी जाएगी। हालांकि इस बात की श्योरिटी ऑलमोस्ट 99% है कि डेट को डेफिनेटली जल्द से जल्द ही एक्सटेंड किया जाएगा और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी विद अ न्यू एक्सटेंडेड डेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।